चलो एक्शन। हम लोग जा रहे हैं खरदुमला पास और हम सब चढ़ गए हैं बस के ऊपर। ये शायद ऐसा शायद ही कोई करता होगा इधर। Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. हम लोग जा रहे हैं खरदुमला पास और हम चढ़ गए हैं ट्रैवलर के ऊपर। एक मिनट इधर ले लो। रुक भाई रुक, मेरा हाथ ले गए उधर आप। हाँ बस वही हो गया, दे दो राइट right. हम लोग जा रहे हैं खरदुमला पास और हम सब चढ़ गए हैं बस के ऊपर। ऐसा शायद ही कोई करता होगा इधर। कहाँ बैठा है? हाँ क्रेजी भाई, पीछे देखेगा तो ऐसा लगेगा मरेंगे। हाय गाइस, स्वागत है आज आपका फिर से एक नए व्लॉग में। आज हम जा रहे हैं खरदुमला पास। किस्मत देखो हमारी कि हमें बस के ऊपर बैठने को मिल गया, तो हम इस तरह से बैठ के वीडियो बनाते हुए जा रहे हैं और आप व्यूज़ देख सकते हैं कितने बेहतरीन व्यूज़ हैं। नो डाउट हम खरदुमला पास जा रहे हैं। वो चल के मैं आपको वहाँ पर दिखाता हूँ कैसे कैसी जगह है वो। पहले खरदुमला पास के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि वो क्या है। एक्चुअली ये जो पास है ये 18,300 फीट ऊपर है और लेह लद्दाख के काफ़ी करीब है। मतलब काफ़ी करीब तो नहीं, आपको 3-4 घंटे लगेंगे अगर आप मेन सिटी में रह रहे हैं तो। और ये जो पास है ये एक्चुअली नुब्रा और जो श्योक विलेज है उन दोनों घाटियों को जोड़ता है, उन दोनों विलेजेस को जोड़ता है। एक्चुअली आज हमारा स्टे नुब्रा में ही रहेगा, तो नुब्रा के बारे में मैं आपको आने वाले व्लॉग्स में बताऊँगा। अभी फ़िलहाल हम चलते हैं खरदुमला पास और चल के थोड़ा एंजॉय करते हैं बिकॉज बर्फ इम्पॉर्टेंट है गाइस। अमेजिंग व्यू यार, अमेजिंग।
व्यूज़ देखो गाइस, कितने गजब के व्यूज़ हैं यार। मतलब मन मोह लिया इन व्यूज़ ने लिटरली। और फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं खरदुंगला पास पे, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। अब सेकंड हाईएस्ट बन चुका है जस्ट बिकॉज अब उमिंगला पास भी बन चुका है जो इससे भी ऊपर है, पर उसके पहले यही सबसे टॉप पे था पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट मोटरेबल रोड। अच्छे खासे लोग हैं यहाँ पे भी, थोड़ी सी ऑक्सीजन की कमी है पर मज़ा बहुत आ रहा है बिकॉज बर्फ बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइज। एंड ये BRO के अंडर में ही है, सब BRO ही संभालता है। एंड यहाँ पे आपको नेशनल फ्लैग भी दिखेगा। तो चलो थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ मैं आपको इस जगह का 3D में। बस यहाँ आके ऐसा ही मन करता है गाइस कि यहाँ से वापस ही मत जाओ। इतनी प्यारी जगह है ना, मतलब मस्ट विज़िट है। अगर आप लद्दाख में आते हैं तो खरदुंगला इज़ वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट स्पॉट, तो आप ज़रूर आइएगा अगर लद्दाख आते हैं तो कुछ ऐसी बर्फ़ एंजॉय करने। क्या बादल दिख रहे हैं ना, मस्त दिख रहे हैं। मतलब क्या व्यू आ रहा है, बिल्कुल पिक्चरिस्टिक। और हर जगह पे आके आप परफेक्ट फ्रेम्स के साथ फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। यहाँ पर बहुत शानदार माहौल है, हर जगह बर्फ़ है और दिसंबर में तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है। ये जगह बंद कर दी जाती है बहुत बार और यहाँ पे इतनी ज़्यादा बर्फ़ हो जाती है कि आ नहीं पाते। तो अभी परफेक्ट वेदर है यार यहाँ पे आने के लिए आराम से। एक मिनट चढ़ जाओ थोड़ा, मैं पकड़ू आपको, खींचता हूँ। अपन दोनों ही है जो बिना उसके घूम रहे हैं, लाइक विदाउट एनी जैकेट्स ले रहे चल रहा हूँ। ओके बस अगर पैन कर दे रहा हाँ, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, कुछ पता नहीं दे। नुब्रा वैली देखने वही आ रहा। अरे भाई चलो आप बोलना स्टार्ट करो। स्टार्ट ट्रोलिंग है, रोलिंग है। भाई यही तो वीडियो चाहिए। वीडियो तो मैं लेकर ही रहूंगा। चलो ये साइड कर लेते हैं। चलो पकड़ भाई। वो वाला बहुत फनी बन गया रहेगा। हाँ जो आपने बनाया मेरे को दे देना, बैग में पकड़ दो। हाँ स्नोफॉल तो हो नहीं रहा है तो यही कर ले। यही तो वीडियो बना रहा है भाई। सही है सही है। ओह बट ऐसे कैसे, ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए। बाल्टी लाते हैं अभी, बाल्टी बाल्टी। तो फाइनली गाइस अच्छी खासी मस्ती करने के बाद अब हम यहाँ से निकल ही गए। निकलने का मन तो बिल्कुल भी नहीं था पर आखिर जाना तो पड़ता है ना।
नई डेस्टिनेशंस देखनी है, नई जगहें देखनी है, तो एक जगह को तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा। बट स्टिल बहुत प्यारा माहौल है यार यहाँ पे। एंड फाइनली गाइस, अभी हम रुके हैं खाना खाने के लिए, और हाँ GoPro ले लिया है तो अभी ये सब करना तो बनता ही है। अगर ये नहीं किया तो क्या खा GoPro लिया, क्या व्यू है, वाह। वापस करते हैं। 1 2 वाओ, क्या व्यू है बाबा। ओके इनफ गाइस, चलो थोड़ा खाना खा लेते हैं, कैमरा सेट कर लेता हूँ मैं, और कुछ इस व्यू के साथ अकेले सुकून से बैठ के अपना खाना खा सकते हैं। टिफ़िन में आज छोले हैं और उसके साथ रोटी, और अभी मैं 10 बार कैमरा में पॉसिबली देखने वाला हूँ, जस्ट बिकॉज मुझे परफेक्ट शॉट चाहिए। और जब लोग नहीं होते ना आपका फ़ोटो या वीडियो लेने के लिए, तो सब आपको ही मैनेज करना पड़ता है। तो चलो खाते हैं, आप व्यूज़ एंजॉय कीजिए और मैं खाना एंजॉय करता हूँ। और वैसे भी कहते हैं कि जो पानी होता है ना, पानी आपकी पूरी बॉडी को सुकून पहुँचाता है। जब हम नहाते हैं तो कितना मज़ा आता है, जस्ट बिकॉज वो एक फायर एलिमेंट है ना, तो वो अपनी बॉडी को जब छूता है तो मज़ा आता है। उसी तरीके से जब पानी सामने भी होता है, मुझे तो बहुत पसंद है, मुझे सीज बहुत पसंद है। मेरा नाम ही साहिल है और साहिल का मतलब ही यही होता है कि समुंदर का किनारा, तो ऑफकोर्स मुझे सी बहुत पसंद है, पानी बहुत पसंद है, और यहाँ पर बैठ के खाने खाने का मज़ा ही अलग है। एंड फाइनली गाइज, आफ्टर हैविंग आवर लंच, वी हैव फाइनली अराइव्ड एट डिस्किट मोनेस्ट्री विच इज़ वेरी क्लोज टू नुब्रा, और ये बहुत फेमस है बुद्धा के स्कल्पचर के लिए, और सबसे पुरानी और सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है जो नुब्रा के पास में है। तो चलो चल के ऊपर देखते हैं नज़ारे। ये आपको सामने दिख रहा है ना, ये बुद्धा जी का स्कल्पचर ही है। इसको चल के देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, चलो, और यहाँ के व्यूज देखते हैं, उसके बाद में टाइम शिफ्ट बना। ये जगह मुझे बहुत पसंद है यार, बहुत प्यारी जगह है। जस्ट बिकॉज बुद्धा जी से हमें यही सीखने को मिला है हमेशा से, पीस। मेरे घर पे बहुत सारे इनके स्कल्पचर्स हैं और इनकी बुक्स मैंने पढ़ी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इनसे सीखने को मिली है। बाकी चीज़ें जो मैंने आपको ओल्ड ब्लॉग्स में बताई उनके बारे में तो मुझे मालूम नहीं था, बट अबाउट बुद्धा वी ऑल नो। और आप व्यूज़ देखो सामने, कितने प्यारे व्यूज़ हैं। और यहाँ पे ये स्कल्पचर है जिसको चल के मैं आपको दिखाता हूँ, एंड दिस इज़ दी स्कल्पचर। टेंशन मत लो, रिवील करता हूँ यार, थोड़ा ठंड रखो। एंड गाइज, दीज आर द व्यूज इन फ्रंट ऑफ द बुद्धा स्कल्पचर, जहाँ पे आप अपने फोटोज खिंचा सकते हैं और मज़े ले सकते हैं। यहाँ पर बेंचेस हैं, आराम से बैठ सकते हो, मज़े ले सकते हो यार। एंड दिस इज दी स्कल्पचर। चलो अंदर एक मंदिर है तो पहले यहाँ पे चलते हैं, थोड़ा देख के आते हैं यहाँ पर क्या है। वैसे तो बहुत जगह फोटोग्राफी अलाउड नहीं रहती है, पर देखते हैं यहाँ पे अगर फोटोग्राफी अलाउड है तो मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ क्या है। एंड दिस इज द एंट्रेंस गाइस।
अगेन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे स्कल्पचर्स पड़े हुए हैं जो आप देख सकते हैं। उनके बारे में अलग 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 चीज़ें लिखी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। कुछ फ्लैग्स लगे हुए हैं, बुद्धिस्ट फ्लैग्स हैं यहाँ पे, और सामने अगेन यहाँ पे बुद्धा जी का स्कल्पचर है जो आप देख सकते हैं। स्कल्पचर के साथ काफ़ी चीज़ें यहाँ पे लिखी भी रहती हैं, तो अगर कैमरा में आपको दिख रहा है तो आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज है यहाँ की पाली है, तो पाली में भी काफ़ी जगह लिखा रहता है और काफ़ी जगह इंग्लिश में लिखा रहता है। एंड दिस इज इट, यही है पूरा टेम्पल। तो चलो गाइस फाइनली बाहर चलते हैं। यहाँ पर एक्चुअली बाहर आकर आप देखोगे और जब नीचे उतरोगे दूसरी साइड से, तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे पत्थर जमे हुए मिलेंगे, लोग जमाते हैं यहाँ पर एक के ऊपर एक। ओके गाइस, तो फाइनली वो डेस्टिनेशन से हम यहाँ पर आ चुके हैं और इस जगह का नाम है हंडर विलेज, जो मैंने आपको पहले भी बताया था व्लॉग के स्टार्टिंग में। और ये हंडर विलेज जो है ये फेमस है एक्चुअली सैंड ड्यून्स के लिए और डबल हमबैक कैमल के लिए, जिसकी राइड मैं अभी करने वाला हूँ। एक्चुअली जल्दी से जाना पड़ेगा बिकॉज इवनिंग हो चुकी है और शायद फिर काउंटर बंद हो जाए तो मालूम नहीं, बट चलो चलते हैं। सामने हैं कैमल्स और सैंड ड्यून्स है यहाँ पर। एक्चुअली ये जो कैमल्स है ना, ये यहाँ पर लाए गए थे मंगोलिया से और उसी टाइम से ये यहाँ पर है। कोई सिल्क रूट का टाइम था और ट्रेड्स चलती थी उस टाइम पे, ये कैमल्स यहाँ पर लाए गए थे। आप टाइमिंग्स देख सकते हो और जगह का नाम पढ़ सकते हो, अंडर सैंड ड्यून। बहुत खूबसूरत सैंड ड्यून्स है यहाँ पर। फाइनली गाइस कहीं भी आते हैं तो कुछ खाने का मन तो करता ही है ना। ऐसे कुछ टाइमिंग्स हैं यहाँ पे, टाइमिंग्स आप देख सकते हो। इस टाइमिंग पे आइए और फाइनली 350 रुपीज़ की टिकट लेकर मैं जा रहा हूँ अपनी कैमल की राइड करने। एट दीज आर द क्यूटेस्ट कैमल्स दैट आई हैव सीन विद डबल हम्प्स। कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बच्चे हैं और काफ़ी सारे कैमल्स हैं यहाँ, और बहुत क्यूट कैमल्स है नो डाउट। फेस बहुत मासूम है इनका, देखो देखो कुची कुची। ऑल राइट गाइस, तो बस हमारा नंबर आ जाए और उसके बाद हम बैठ के जाते हैं। आप देख सकते हो 3D में कुछ व्यूज यहाँ के। एंड फाइनली हमारा नंबर आ चुका है और हम अब बैठ कर जाने वाले हैं और आप 3D में यहाँ का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। Thank you.
ऑल राइट गाइस, तो अभी ऑलमोस्ट 8 बज चुकी है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी व्लॉग्स में बताया कि लद्दाख में रात देर से होती है, तो अभी 8 बज चुकी है और फाइनली अभी हम यहाँ से अब घर जाने वाले हैं। होप सो आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वो सब्सक्राइब करके ही जाना। बहुत मेहनत लगती है यार ब्लॉग बनाने में। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लेना। और हम कल मिलते हैं नए व्लॉग में। और आज मैं नुब्रा में रुकने वाला हूँ। नुब्रा का जो हमारा रूम है वो बहुत सेक्सी है, और वो मैं आपको कल बताऊँगा, तो उसे मिस मत कीजिएगा। बाय बाय।